हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ठीक है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको पहले सेंटर ऑफ मास से और फिर वेरियस एक्सेस से। हम लोग इसका यूज कर यहाँ पे जो मेथड है उसका यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे पिछले जो दो लेक्चर्स है उनका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का, परपेंडिकुलर एक्सिस का देखने का जरूरत नहीं है, पैरेलल एक्सिस का रिजल्ट याद रखना जरूरी है। वो था आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, वो भी काम में आएगा तो मैं लिख के रख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको दिया क्या है, एक थिन रॉड दिया है, थिन रॉड जिसका मास है m और जिसका लेंथ है l, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ओके, और इसके अबाउट ये रॉड रोटेट हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है, इमेजिन हो रहा है, मतलब ये रॉड है तो ये सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रहा है, ये रॉड ये ऐसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, सो हमको ये इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ। ठीक है, तो रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कितना रहेगा, m बाय l। हम लोग एक x डिस्टेंस, स्मॉल x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक मास कंसीडर करेंगे, सो दैट फॉर एलिमेंट दैट मास dm would be mass per unit length into length formula। Okay, so what would be moment of inertia di, mass into distance square, उसका distance कितना axis of rotation से, x है ना इसका distance axis of rotation से, तो ये हो गया moment of inertia। So for rod moment of inertia i would be integration di, ऐसे element। अब ये एलिमेंट यहां से लेके यहां तक भी शुरू होंगे, यहां से लेके यहां तक जाएंगे और यहां से लेके यहां तक जाएंगे। ओके, अब सपोज ये सेंटर ऑफ मास है तो ये डिस्टेंस, अगर सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन पकड़ा तो ये डिस्टेंस हो गया l बाई टू, ये डिस्टेंस हो गया माइनस l बाई टू। अगर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पकड़ा तो ये एंड का डिस्टेंस कितना हो गया l बाई टू और ये एंड का डिस्टेंस l बाई टू हो गया, लेकिन माइनस l बाई टू लिखेंगे क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो इसके लिमिट्स भी जो रहेंगे माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। समझ में आया, क्योंकि एलिमेंट यहां से लेके तो यहां तक रहेंगे, यहां पे लिमिट कितना है उसका माइनस एल बाई टू, यहां पे लिमिट कितना है एल बाई टू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, डी एम की जगह डी आई की जगह डालेंगे डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू, डी एम की जगह क्या डालेंगे एम बाय एल dx into x square, m by l constant, integration के बाहर, integration में बचा x square dx, x square का integration क्या आएगा x cube by 3 minus l by 2 से लेके l by 2 तक। समझ में आया, अब limit substitute किया हम लोगों ने m by l, सबसे पहले 3 को बाहर लेके आ जाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, सिर्फ x cube बचेगा, x cube में पहले l by 2 डाला तो कितना गया l cube by 8, ठीक है, minus फिर बाद में माइनस एल बाई टू का निकाला, माइनस एल बाई टू का क्यूब कितना आएगा माइनस एल क्यूब बाय एट, माइनस माइनस प्लस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो गया एम बाय थ्री एल इनटू एल क्यूब प्लस एल क्यूब दैट इज टू एल क्यूब बाय एट, टू वन जार टू फोर जार, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एम, ये एल स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बाय। अब इसको मैं लिखूंगा आई सी बिकॉज दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो रॉड के अगर सेंटर से, रॉड के अगर सेंटर से एक्सिस जा रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। सपोज यही एक्सिस रॉड के एक एंड से गया होता, मतलब इस तरीके से, ये रॉड जिसका मास है एम जिसका लेंथ है एल, ये एक्सिस के अबाउट हमको मालूम है आई सी। सपोज ये पॉइंट है ओ, अगर हमको ये पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई ओ तो कैसे निकालेंगे, वी विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है एल बाई टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में आई ओ इज इक्वल टू आई सी कितना है एम एल स्क्वायर बाई 12, समझे, आई सी की जगह कितना डाला एम एल स्क्वायर बाई 12 क्योंकि वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, मास इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस एक्सिस का डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है l बाय 2 उसका स्क्वायर यानी l स्क्वायर बाय 4।
ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया तुम लोगों ने, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग यहां पे, तो कितना रहेगा 3, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, याद करके रख लो कि भाई सेंटर से गया तो एम एल स्क्वायर बाय 12, एंड से गया तो एम एल स्क्वायर बाय 3। अब इसके अंदर एक और केस है, वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब हमको मालूम है दिस इज आईसी, ओके, रॉड का मास एम, रॉड का लेंथ एल, ठीक है। अब एक्सिस यहां से जा रहा है, अब ये ओ पॉइंट है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड एंड वन एंड, ये एक एंड है वन एंड, एंड दिस इज सेंटर, वन एंड और सेंटर के सेंटर से जा रहा है, मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड। अगेन इस बार भी यही लगेगा, आईसी का वैल्यू पता है हम लोगों को, आईसी इज एम एल स्क्वायर बाय 12, लेकिन इस बार एच जो है, अब ये एल बाय 2 ये उसका भी आधा है, एल बाय 4, बस कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एच के जगह एल बाय 4 डालना है, आईसी के जगह एम एल स्क्वायर बाय 12 डालना है। अगर आपने इस सिचुएशन में सॉल्व किया तो इस सिचुएशन में आईओ आएगा 7 एम एल स्क्वायर बाय 48। मेरे हिसाब से टेबल में आप ये वैल्यूज लिख के रखूंगा, आपको बहुत सारे वैल्यूज लिखना है अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलग अलग लेक्चर्स में, आप ये 1, 2 और 3 डायग्राम्स बना लेना, बीच में सेंटर से, फिर एक एंड से, फिर मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एंड डायग्राम बनाना, उसके नीचे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेना, काफी यूजफुल होगा आखिरी में रिविजन करने में। दैट्स इट।